कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। पवित्र जन्माष्टमी आम सिद्धार्थ भक्ति चैनल तरफ आपण मानू समस्त जन्माष्टमी उपलक्षे शुभ अभिनंदन। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, जन्माष्टमी कहिले केवल श्रीकृष्ण जन्म को ही बुझाए, आउ सबुतिर रामनवमी अन्यान्य जेते सबु समस्त नाम अच्छी, किंतु जन्माष्टमी एतिर भगवान ना नाई, किंतु श्रीकृष्ण जन्म को जन्माष्टमी कह जाए। आठ तिथि इष्ट महाप्रभु श्रीकृष्ण, अष्टवर से नरहरि अष्टमल को बध करी, आठ तिथि अष्टम प्रहर, अष्टमी तिथि, अष्टवसु, अष्टपाटवंशी, अष्टसखी, अष्टकुंज, ये सब आठर समाहार महाप्रभु आठ टिकी रखिदेले। श्रीरामचंद्र न को रखिले तो त्रेतया युग गोटे युगर पुराणा युग न भगवान रे आठ, किंतु श्रीमंदिर से होती एक। दर्शन तो भिन्न किंतु कथा आसे कहीं कला काले कन्यादान वसुदेव उग्रसन कौतुके कंसरत बाहुजे थिला कोमल मधुर बाणी आकाशमंडल शुणी कौन से शुणिला रे निर्बोध कंस जहार तु बाहु अचुरथ तोते मारिब तार सुत। सांगे सांगे मती परिवर्तन, जो मानकर सकाळे गोटे कथा संध्या बेले गोटे कथा दीपर गोटे कथा आउ टिके पर आउ गोटे कथा, एमानंको कहा जाए राक्षस प्रवृत्ति। सांगे सांगे मती परिवर्तन विचार नाही, कारण जन्म भी भगवानंकर एमिति जन्म, भगवान जन्म नौछंती बुद्धदेव उरुबिल्ल वृक्ष मूळरे, निमाई निम वृक्ष मूळरे, जीशु मेंढा गुहाळरे, किंतु एपटे कंस को मारिबा पई दुष्टंकु मारिबा पई संत मानंकु उद्धार करिबा पई एवं पृथ्वी को महिभार को उश्वास करिबा पई भगवान जन्म होउछंती बंदीशाला रे। कथाटा देखु, किंतु बंदीशाला को जीवापाई एक मार्ग आवश्यक, केमिति जीवे वसुदेव उग्रसन जेते बेले वसुदेव को विवाह दे देले देवकी को नहीं कि जाउछंती कंस रास्तारे शून्यवाणी शुणीदेला, कारण भारी खुशी रे भाई कि नहीं जाउछी रथ मुझे नहीं कि जी मो भौणी को छाड़ी आसमी, किंतु कंस मामूर आख्या रहीगला सांगे सांगे शून्यवाणी है से कौन कला भाई भौणी को नहीं सांकुड़ी देला। उपाय ना मूलु माइले जीव सरी देवों संगे किंपा कली जी गच्छी को हाणीदे आल कौट आसव, किंतु वसुदेव जी ज्ञानर गंताघर जहाँ को बुद्धिमयी देवकी एवं वसुदेव जी प्रार्थना कले हाथ गोड़ धरी जे ये चेतेटी पुत्र प्रसव तोते मु समर्पी सर्व अष्टम गर्भरे तो तेणु आपको मार तला उग्रसन को आणिक बसईदेला निजे रखवाल जगुआल करते बड़े देवकूट माया देवता जना दान बेतीरे काले काले वणा सप्तम गर्भ को आकर्षण करे भगवान जदिओ गोटिक पर गोटे कंसर निर्मम हत्या संतान को मारी चली कंस, किंतु भगवान सप्तम गर्भ को आकर्षण करे अष्टम गर्भ अपेक्षा कर रही कंस। जेते बड़े गर्भ को देखी दिए कंसर मध्य अति परिवर्तन हो जाए भगवान सनमुख हो जीव जब मो मो मुह को जी थे सीधा चाहदेला तार परिवर्तन परिवर्तन होती, किंतु पर मुहूर्त जाणी शुणी ताको अन्य माने ता रास्तारु च्युत करिसेंदी कारण तार मरिबा आवश्यक ताई हला, किंतु जेते बड़े रात्रि भोनाथ चिंत नारायण केश उदर कषण वेदना प्रसव वेदना शुणी वसुदेव उठिला देवकी कंकाल धईला आउ कही नहांती ता भितरे कष्ट होची गर्भ कष्ट। आकाशे उदे निशा कर गोविंद उदरु बाहर आउ कहिते नाही बेळ आउ कहिबाकु बेळ नाही डेरी करनी जहा तो घटना सब घटीगला किंतु शीघ्र मते नै कि एठारु चालो कौठि कि गोपपुर को गोपपुर रे मते थोई कन्या आणिबो पालटाई।
ପ୍ରଥମରୁ ଭଗବାନ ଶିଖେଇଦେଲେ ଚୋରୀ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ମଙ୍ଗଳରେ ଯଦି କିଛି ମିଥ୍ୟା ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ। ତିନ୍ତିବା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ପଣାରେ ଢାଙ୍କିଲେ ଅନନ୍ତ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଭଗବାନ ଢାଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଉଗ୍ରସେନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କନ୍ୟା ପାଲଟାଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦ ଦେଖେ କ'ଣ ନା ଝିଅଟିଏ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନନ୍ଦ ଘରେ ଆନନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଏଇ ନୀତିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବିକଳ, ରାତ୍ରିରେ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ନା, ଜଣେ ନେଇକି ଯିବେ, ଯେନ ପିତୁଳା ତିଆରି ହେବ, ମୁରୁଜ ପଳିବ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଦେବକୀ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳିବାର ମୁରୁଜ ପଡ଼ିବ, ବହୁ ପ୍ରକାର ତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଉଗ୍ରସେନ ଉଗାଳିବ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଜନୈକ ସେବକ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସାପ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ରହିବେ। ଇଏ ସମସ୍ତ ନୀତି ସରିକି ଆସିଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଜଣା ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ। ତା ପରଦିନ ଆସିଯିବେ କ'ଣ ନା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥା ତ ଅନେକ, ସମୟ କିନ୍ତୁ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି। କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।